हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। आज के इस वीडियो में हम दो कलर के पोटली बटन बनाना सीखेंगे, दो तरीके से और दो अलग अलग डिज़ाइन में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये थर्माकोल ली है और ये मैंने चौकोर साइज़ में कपड़े की कटिंग की हुई है। इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच है और चौड़ाई भी 2 इंच है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से हमें कट कर देना है। ये देखिए, मैंने सारे पीस को एक के ऊपर एक रख दिया है। अब हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी ही पीस की इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हमें दो अलग अलग कलर के पीस को लेना है और यहाँ से हमें इसे सिलाई लगाकर ज्वाइन कर देना है। देखिए, इसी तरीके से हमें सारे ही पीस पर सिलाई लगा देना है। देखिए, इस तरीके से हमें इन दोनों कपड़े को इस तरीके से अलग करना है और यहाँ पर हमें नाखून से इस तरीके से नाखून फेर देना है। देखिए, सारे ही पीस पर इसी तरीके से हमें नाखून फेर देना है। अब ये जो हमने थर्माकोल लिए हैं, इसे इस तरीके से यहाँ पर बीच में रखकर और इस तरीके से हमें बटन का गोल शेप देते हुए और यहाँ पर हमें धागे को लपेट देना है। इस तरीके से हमें इस पर धागे को लपेट देना है थोड़ी नीचे तक। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर देना है। ये देखिए, हमारा दो कलर का बटन जो है, पोटली बटन बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा बटन बनाएंगे। इसे इस तरीके से थर्माकोल को बीच में रखकर और अच्छी तरीके से हमें गोल शेप देना है और इसके ऊपर हमें धागे को लपेट देना है। देखिए, इसी तरीके से हमें सारे बटन बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए, मैंने सारे बटन बना लिए हैं। अब ये मैंने एक स्लीव्स कट की है, हाफ स्लीव्स। इस पर मैं आपको इस बटन को लगाकर दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर 1.5 इंच पर मैं सारी तरफ मार्क लगा रही हूँ। अब इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है। अब ये जो हमने मार्क लगाया हुआ है, इसी पर हमें पोटली बटन को लगाना है। इस तरीके से हमें मार्क के ऊपर पोटली बटन को रखते हुए सिलाई लगा देना है। हमें इसके ऊपर सिलाई बिल्कुल यहाँ पर लगाना है, पोटली बटन के बिल्कुल पास पास, जो हमने धागा लपेटा हुआ है वो धागा हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें मार्क के ऊपर पोटली बटन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। मैं आपको सिखाने के हिसाब से हाफ स्लीव्स पर पोटली बटन लगाकर बता रही हूँ। आप इसे 3/4 स्लीव्स पर
पोटली बटन को इसी तरीके से पास पास लगाइए, आपकी स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो देखिए मैंने इस पर पोटली बटन अटैच कर दिए हैं। अब इसे इस तरीके से एक और बार फोल्ड करके और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पोटली बटन हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए अब हम एक और तरीके से दो कलर के पोटली बटन बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये एक दो पीस लिए हैं और एक चार पीस लिए हैं। एक 2 इंच की चौड़ाई लंबाई के हैं और एक 2.5 इंच की चौड़ाई लंबाई का है। अब हमें ये जो 2 पीस है इसे इस तरीके से रखकर और इसकी इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारी ये भी 4 पीस हो गए हैं। अब इन 4 पीसों को हमें इसके ऊपर इस तरीके से इन 4 पीस पर रख देना है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा देना है 4 पीस पर। अब देखिए मैंने ये दूरी ली है पाइपिंग बनाने वाली, इसके भी मैं 4 पीस कट कर लूँगी। देखिए मैंने ये दूरी को भी कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को दूसरी तरफ पलटते हुए इसके ऊपर नाखून फेर देना है इस तरीके से। और ये जो डोरी है इसे यहाँ पर रखकर और यहाँ हमें इसके करीब करीब सिलाई लगाना है। देखिए इन सारे ही पीस के अंदर हमें इस तरीके से धागे को रख देना है। और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। क्योंकि हमने इसके अंदर डोरी रखी है तो उसके लिए हमें मशीन के फुट को चेंज करना होगा। तो देखिए मैंने सिंगल फुट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसके करीब करीब सिलाई लगा लेंगे सारे ये पीस पर। ये देखिए मैंने सारे ही पीस पर सिलाई लगा दी है। अब हमें जो ये थर्माकोल है उसे इसके बीच में रखना है और इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से शेप दे देना है इस पर। और हमारी जो पाइपिंग है पोटली बटन की वो भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इस पर धागे को लपेट देंगे। थोड़ी नीचे तक हमें धागे को लपेटना है। ये देखिए पाइपिंग वाला पोटली बटन हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारी ही पोटली बटन बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरीके से हमें थर्माकोल को बीच में रखकर और अच्छी तरीके से पोटली बटन को बॉल शेप दे देना है और इस पर हमें धागे को लपेट देना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है।
देखिए सारे ही जो पाइपिंग वाले पोटली बटन हैं वो बनकर तैयार है। अब इन पोटली बटन्स को मैं आपको स्लीव्स में लगा कर दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने पहले से ही स्लीव्स को तैयार किया हुआ है। अब हम पोटली बटन्स को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि जो हमने पोटली बटन्स पर धागा लपेटा हुआ है वो हमारा हमें नज़र नहीं आना चाहिए। और एक बराबर की दूरी पर इस तरीके से पोटली बटन को रखते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई को लगा देना है। देखिए दो कलर के पाइपिंग वाले पोटली बटन्स लगाने के बाद हमारी स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।